Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे गोंडा वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मुझे बताओ 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? हमारे नेता कीर्तिवर्धन सिंह जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले आदमी, ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम। भाई इस ओर लो, मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम। ये मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाइए। भैया आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित विनय द्विवेदी जी, श्रीमान प्रतीक भूषण जी, श्री अवधेश कुमार मंजू सिंह जी, रमापति शास्त्री जी, श्री प्रभात वर्मा जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी, श्री कमलेश मिश्र जी, अमर किशोर कश्यप जी, शरद अवस्थी जी, राहुल रस्तोगी जी, आशीष त्रिपाठी जी, रंजन शर्मा जी, घनश्याम मिश्रा जी, गौरव वर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी। आगे आओ राजा साहब, जरा जोर से ताली बजाओ कीर्तिवर्धन सिंह जी के लिए। और आज की विशाल सभा में जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। ये विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पृथ्वीनाथ मंदिर, वराही देवी मंदिर, काली भवानी मंदिर, श्री दुखरण नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, खैरा भवानी मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब योग के जनक महर्षि पतंजलि को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। इसी भूमि के महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र लहड़ी जी,
और राजा देवी बख्श सिंह को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां अपील करने आया हूं कि हमारे प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर आप दिल्ली भेजे। मगर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कीर्तिवर्धन सिंह जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर गोंडा वालों बटन दबाने का मतलब है आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। ये चुनाव जो है ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना का चुनाव है। ये चुनाव जो है देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव है पाकिस्तान को इनकी हरकतों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव है आतंकवादी की गोली का जवाब गोले से देने का चुनाव है। ये चुनाव है 3 लाख लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और 3 लाख गांवों में पैक्स बनाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मैं गोंडा आया हूं, आप तो अयोध्या से नजदीक हो या नहीं हो? अरे बोलो तो, मुझे बताओ गोंडा वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अंत तक बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस, सपा और बसपा ने 70-70 साल तक राम मंदिर को भटका कर रखा। मोदी जी ने, जब आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मगर भूलना मत गोंडा वालों, कार सेवकों पर गोली चलाने वाली यही समाजवादी पार्टी थी। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। गोंडा वाले, गोली चलाने वाले के साथ है या मंदिर बनाने वाले के साथ? जोर से बोलो जरा, किसके साथ हो? अरे अखिलेश और राहुल बाबा, अभी 2 शहजादे घूम रहे हैं, जब उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया दोनों ने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है गोंडा वालों? मालूम है ना, आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक अलग है, वो उनसे डरते हैं। मगर चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से मोदी जी ने बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने का काम चालू हो गया है। भाई बहन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अभी भी सपा बसपा वाले कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। एक राम गोपाल यादव ने कहा, मेरी बात याद रखना गोंडा वालों, गलती हो गई ना तो दोनों पार्टी, दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का एक ताला तैयार रखा है। आप चाहते हो
राम मंदिर पर बाबरी ताला लगे, जोर से बोलो चाहते हो? भाइयों बहनों, इन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एटम बॉम्ब है। मुझे बताओ गोंडा के युवानों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो है या नहीं है? भारत इसको छोड़ सकता है क्या? ये फारूक अब्दुल्ला, इंडी अलायंस के नेता और मणिशंकर अय्यर हमें डराते हैं। अरे फारूक जी, मणिशंकर जी, डरने वाली सरकार गए, ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं आज इस गोंडा की पवित्र भूमि पर, लाड़ी जी की और पतंजलि की भूमि पर कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, दुनिया की कोई ताकत हमसे उसको छीन नहीं सकती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई। ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, 70 साल से आप धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरता था, आतंकवाद फैलाता। मोदी जी को यूपी वालों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, धारा 370 को समाप्त। और मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप कितना भी जतन कर लो, अब धारा 370 को दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, कोई ताकत नहीं ला सकती। भाई और बहनों, इन लोगों ने सालों तक आतंकवाद को चलाने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चली। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। परंतु अपनी वोट बैंक की लालच से ये दोनों शहजादे चुप रहते थे। मोदी जी आए फिर से उरी और पुलवामा पर, पाकिस्तान ने हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में जब तक सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें चली, कोई काम नहीं होते थे। मैं आज बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गोंडा में हमारे कीर्तिवर्धन सिंह को आपने सांसद बनाया, ग्राम सड़क योजना 680 किलोमीटर पूरे अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोड बनाने का काम हमारे कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है, जोर से ताली बजाओ। कोसी पुल के पास बाईपास बनाने का काम किया, फ्लाईओवर बनाने का काम किया, कर्नलगंज की सरयू नदी पर पुल बनाने का काम किया, मिश्रोलिया क्रॉसिंग, महादेवा क्रॉसिंग और सोनी घुमटी में 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाए, और 517 करोड़ कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के लिए रेलवे के कामों के लिए लेकर आए। और मैं आपको कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद नवाबगंज रेलवे स्टेशन देख लेना,
इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन से कम नहीं होगा भाई। पूरा रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, गोंडा से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाई, टिकरी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, ग्रामीण आवास योजना के तहत 80,000 गरीबों को घर दिए, 3,36,000 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 5,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, स्वच्छ भारत मिशन 6,17,000 घरों में शौचालय बनाए, 4,77,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और 21,000 लोगों को मुद्रा लोन। ये आंकड़े पूरे यूपी के नहीं है, सिर्फ कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयास से गोंडा के है भाई, गोंडा के है। पूरे अवध क्षेत्र में गरीब कल्याण का काम कहीं पर सबसे ज्यादा हुआ है तो अपने गोंडा में हुआ है। भाइयों बहनों, सपा की सरकार थी, ये गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे, गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते। 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम कर दिया। आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर देसी कट्टे बनाने की फैक्ट्रियां थी, अब डिफेंस कॉरिडोर में तोप के गोले बन रहे हैं जो पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेंगे। यहाँ पर पहले वाहन चोरी का काम चलता था, अब वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही। चेन स्नेचिंग का इंडस्ट्री चलता था, इसकी जगह मेडिकल डिवाइस पार्क बनता है। और भाइयों बहनों, हमारे गोंडा में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। इस सपा बसपा की सरकारों ने 20 चीनी मिलें बंद कर दी थी, भाजपा ने 20 को चालू किया, 5 नई बनाई और 38 मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया, और गन्ना की बुआई के क्षेत्रफल में 9,00,000 हेक्टर की बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, 95 से 2017 तक सिर्फ 23,000 करोड़ का भुगतान होता था, 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद गन्ना के किसानों को 2,50,000 करोड़ का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इथेनॉल को पेट्रोल डीजल में मिक्स कर गन्ना किसानों का कल्याण किया और पूरा गन्ना का काम आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 2017 में भी ये दो साझादे इकट्ठा होकर आए थे, और क्या हुआ था याद है, विधानसभा में दोनों इकट्ठा होकर आए थे, दो लड़के करकर यूपी की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया था, और इस बार भी इकट्ठा होकर आए ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, ये यूपी के अंदर गुंडई और जमीन कब्जा कराने वाले हैं, ये देश के अंदर आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं, ये देश के अंदर नक्सलवाद को पनाह देने वाले लोग हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं हम 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी लेकर आएंगे। राहुल बाबा, शेख चल्ली के स्वप्न देखते रहो, ना आपको जीतना है ना वापिस आना है। मैं गोंडा वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद के अंदर है,
ना 370 आ सकता है, ना ट्रिपल तलाक फिर से आ सकता है। राहुल बाबा, अभी तो आप खुद के जीतने की चिंता करो। मैं अभी रायबरेली से आता हूँ, ये मीडिया वालों के सामने कहकर जाता हूँ, रायबरेली में राहुल बाबा प्रचंड मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं, मेरी बात याद रखना भाई। भाइयों बहनों, ये देश आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। मोदी जी ने पूरे विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर वन हो ऐसा भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य पूरा करने का काम गोंडा वालों का है। और वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा मैं बताऊं? राजा साहब आगे आओ जरा। ये लक्ष्य पूरा करने का एक ही रास्ता है, कीर्ति वर्धन सिंह जी को बड़े बहुमत से जिता दीजिए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे क्या? कीर्ति वर्धन सिंह जी को जिताओगे क्या? फिर से 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। भाई एक बच्चा यहाँ तस्वीर लेकर खड़ा है, उसके पास से तस्वीर लेकर मुझे पहुंचा दो जरा। बेटा दे दो तुम तस्वीर, मेरे पास आ जाएगी। क्या नाम है? जोर से बोलो बेटी। है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तस्वीर मैं तेरी घर पे लेकर जाता हूँ। हाँ,